वी से है ये वीबा का भूत जलो क्या चिली सॉस. Look at that. मलाई आया यार, टोन लाइक मलाई. मॉर्निंग. आई टोटली फॉरगॉट उठ के कि आज हम कर रहे हैं ए टू जेड फूड चैलेंज. एंड उठ के हम लाइक मम्मी खाने में क्या दे सकते हो, एंड शी इज लाइक बेटा तुम्हारे लिए नॉर्मल खाना नहीं बनेगा आज, तुमको ए टू जेड वाला चैलेंज करना है. तो इनिशियली फॉर ए बी सी डी कुछ और सोचा था. मैंने सोचा था ए से अचार, बी से ब्रेड, सी से कॉफी और डी से डार्क चॉकलेट. बट मुझे उठते से ही चटपटे खाने का हो गया मन, सो आई एम गोना हैव बी से भेल. बट उसके पहले ए से कुछ सोचते. आई फाउंड माय ए वाला आइटम. आज हम खाएंगे बादाम, ए फॉर आमंड. बी से हमारा भेल इज हियर. भेल देख के तुम मेरे ना से रो रो खुल जाते. अभी हम काम करते करते खाएंगे, फिर हम लंच टाइम पे मिलेंगे जब सी और डी का टाइम आएगा. इट्स टाइम फॉर लंच एंड आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट वी हैव फॉर सी एंड डी. वी हैव चपाती मस्त मस्त पतला पतला. एंड फॉर डी वी हैव दूधी का शाक, मतलब दूधी का सब्जी. लुक एट दिस प्लेट, इट लुक्स सो गुड. थिंग इज कि मुझे ये चैलेंज सिर्फ करने के लिए नहीं करना था. आई जेन्युइनली वांट टू ईट ओनली ए टू जेड फूड फॉर 24 आवर्स, एंड इसलिए आई हैव थॉट ऑफ हैविंग प्रॉपर खाना. वरना ऐसे मैं नाश्ते वाश्ते कोल्ड ड्रिंक बिस्किट खा के कुछ मेरा पेट नहीं भरेगा. ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर स्नैक्स. फॉर ई आई एम टेकिंग इलायची रस. मैं दो स्लाइसेस लेती हूँ अभी. अभी एफ के लिए आई हैव फ्रूटी विद दिस, बट हम एज इट इज नहीं खाएंगे. जी के लिए आई हैव गार्लिक घी. तो यूजुअली गार्लिक बटर होता है, बट हमने आज गार्लिक घी बनाया है. जी जी. एंड ये मैं स्प्रेड करूंगी इसके ऊपर. इसको हम थोड़ा सा एक स्टार्टर टाइप बनाएंगे, तो इसलिए इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चीज, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स. नहा लिया है एंड इट्स टाइम फॉर एच. फॉर एच आई एम हैविंग दिस सॉस विच इज हाइंस का टमेटो केचप. आई एम नॉट हैविंग इट जस्ट बाय इटसेल्फ, आई एम हैविंग इट विद द आइटम स्टार्टिंग फ्रॉम आई. वी आर हैविंग आईटीसी का ये मास्टर शेफ वाले आचारी बीटरूट कबाब. बस अभी ग्रिलर में ही रखे है होने को, बट आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस. साथ ही साथ आई एम गोइंग टू बी हैविंग जे. जे से होंगे जवार पफ्स. तो ये जो छोटे छोटे है ना, ये जवार है जिसको ऐसा पफ किया गया लाइक मुरमुरे के जैसे. एंड इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी स्नैक. बाहर ही मिलता है ये रेडीमेड पैकेट. आई एम थोड़ा ज्यादा हंगरी रहता तो और दो अल्फाबेट साथ में ही कर लेते हैं. के से वी आर हैविंग गेस. जस्ट गेस, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल गेट इट, व्हिच इज कुरकुरे. आराम से साल भर तो हो ही है कुरकुरे खा के. सो के से कुरकुरे. एंड एल से टेक्निकली आई वांटेड टू डू लेमोनेड, बट वो नींबू ज्यादा मिलाने के दर, तो आई एम गोना हैव लिम्का. बड़ा मजा आने वाला है ये पूरा मील खाने में. अभी इट्स क्वाइट गुड. वाओ. ओके, तो मैंने सोचा नहीं था कि एम इतने जल्दी आएगा, बट आई एम क्रेविंग समथिंग स्वीट आफ्टर हैविंग सो मच चटाका पटाका. मिल्की बार, दैट्स व्हाट वी ईटिंग फ्रॉम एम. तो ये अपना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, अंदर से ऐसा होना चाहिए. अभी इसको तोड़ के देखते हैं बीच में से. ऐसा तो नहीं है मतलब, बट वी शैल टेस्ट. पहले 5 सेकंड एग्जैक्टली मिल्की बार वाला टेस्ट था. प्रॉब्ली बिकॉज इसका जो आउटर कवरिंग है वो वही सेम चॉकलेट होगी अंदर. पहले फिर मुझे लगा कि 5 स्टार वाला टेस्ट है, फिर लगा कि एक लेयर जैसा टेस्ट है. तो पर्सनली आई डिड नॉट लाइक इट. लेट मी नो इफ यू हैव ट्राइड दिस वेरिएशन एंड यू लाइक्ड इट. मुझे सादा वाला मिल्की बार ज्यादा पसंद है. ओके है, इट्स फाइनली ड्राई. इट इज टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट अल्फाबेट व्हिच इज एन. एंड एन से मेरे पास से दो ऑप्शंस, न्यूटेला या नाचोस. एंड आई एम अ बिग 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 नाचोस फैन. अगर आज चैलेंज नहीं होता तो मैं नाचोस पे चीज डाल के अच्छे से खाती, बट आई एम ऑलरेडी वेरी फुल. बट आई एम गोना हैव नाचोस अभी एंड वॉच ओल्ड फ्लाइंग बीस्ट वीडियोस. सेकंड
7 out of 10. Time for O, and you have to guess O correctly. Like, you have to. The most obvious thing, like the first thing that comes to your mind, it is Oreo. Usually, I am not the biggest Oreo fan, but agar iska milkshake banaya, to bada acha taste karta. I'll take my words back. It's actually really nice. पहले स्वांता पी के लिए क्या है, इसलिए मैंने नाचो सिर्फ दो खाए और ओरियो सिर्फ एक खाया, बिकॉज इट्स द मोस्ट फेवरेट चाट. पानी पूरी और कुछ का ऑल्सो, वो भी पी से ही बोलता है, बट ये छोटू वाला है ना, तो आई थिंक इसको पानी पूरी बोल सकते हैं. जन्नत, इट्स जन्नत ऑन अ प्लेन. Time for Q, and Q के लिए I have this new recipe to share with you. Q से हम खा रहे Quaker Oats का चिवड़ा. तो I also made it for the first time only, and it actually tastes so freaking good. तो मेरा थोड़ा ज़्यादा सिक गया, तो ऐसा थोड़ा जला जला सा लग सकता है, but it is super super tasty. 2 hours later. Back in the kitchen, क्योंकि वापस अब मुझे बराबर वाली भूख लगे. Like right now, I want to eat a meal वाली भूख लगे, नाश्ते वाली भूख नहीं. तो आर से है. चलो, this is one thing जो फोटो में जैसे दिख रहा है, almost वैसा बना है. I'm having South Indian food first time, I think, almost lockdown. वैसे हम उत्तपम तो खाते थे, but इडली का मजा तो इडली में है. And ऐसे आपने थोड़ा साइड में देख लिया है सांबर. एंड एक्चुअली हमको लगा था कि ये रेडीमेड वाला आएगा, कि इसमें ये सिर्फ पानी डालना हो जाएगा, बट नहीं, ये सिर्फ मसाला पाउडर है एज मेंशन्ड हियर. एंड मॉम ने फिर पूरा सांबर स्क्रैच से बनाया. लाइक लुक एट दिस प्लेट, व्हाट इज दिस प्लेट, लुक एट दैट. आई हैव टू गिव द शाउट आउट टू मॉम, बिकॉज ये मेरे को मालूम भी नहीं था ये ऐसे हुआ. एंड शी इज जस्ट बीन कुकिंग द होल डे. फर्स्ट बाइट, गुड. Wow. Honestly, मैंने कभी नहीं सोचा कि एक दिन में इतना सारा अच्छा गाना गाने मिलेगा. जैसे जैसे अपना लिस्ट खत्म हो रहा है, दिन भी ढलने लगा है, बाहर पूरा अंधेरा है. बट नाउ इट्स टाइम फॉर टी, एंड फॉर टी आई हैव अ वेरी डिफरेंट आइटम जो मैं सालों पहले खाती थी, बट मैंने बीच में छोड़ दिया था. दैट इज तिल. मैं पहले हेयर के लिए बड़ा खाती थी कच्चा, बिकॉज मेरे हेयर ड्रेसर ने बोला था कि कच्चे तिल सुबह सुबह खाना बहुत अच्छा होता है बालों के लिए. अगर आपको कच्चे नहीं पसंद, आप रोस्ट भी कर सकते हो थोड़ा सॉल्ट वॉल्ट डाल के. हैव यू ऑल्सो अगेन डिजर्ट. आई लाइक हाउ डिजर्ट और स्पाइसी सामान डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये है यूनिबिक के चोको कुकीज, और फोटो से देख के लग रहा है कि थोड़े थोड़े डार्क फैंटेसी जैसे होंगे. तो खोल के देखते हैं, ऐसा दिखता है. एक्चुअली डार्क फैंटेसी से तो बहुत छोटा है साइज में, बट मैंने डार्क फैंटेसी भी बहुत टाइम से खाया नहीं, हो सकता है उसका भी साइज छोटा हो गया हो. लेट्स बाइट एंड सी. लिक्विड चॉकलेट तो है यार. ओके, इट्स वेरी लेट इन द नाइट नाउ, सो दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल मील ऑफ द डे. मैं एक्चुअली रात में काफी लेट तक जगती हूँ आजकल, तो आई न्यू कि मुझे रात को भूख लगने वाली है, सो आई डिड सेव वन हैवी मील फॉर द नाइट. तो आई गिव यू अ हिंट, दिस इज अ वेरी वेरी फेमस आइटम इन मुंबई, बट आई थिंक यू विल हैव गेस्ड इट, कि वड़ा पाव है, बट इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल वड़ा पाव, इट इज अ सैंडविच फॉर्म ऑफ वड़ा पाव. मतलब वैसे टेक्निकली वड़ा पाव ही हो ना, ये वड़ा और ये पाव, बट ये वड़ा का फिलिंग है, और इसको बस दो ब्रेड के बीच में डाल के अनियन डाल के ग्रिल कर दोगे ना, तो थोड़ा हेल्दी वर्जन हो जाता है, बिकॉज इसको फ्राई नहीं करना पड़ता ना. तो दिस एंड विथ डब्ल्यू ऑल्सो हम खाएंगे वेफर्स. वेफर्स भी होममेड ही है, घर पे ही फ्राई किए. It tastes exactly like a vada pav. So good. और ये फुल्ली पोटेटो में से बना है, इसमें मैदा वैदा कुछ भी नहीं है, जस्ट सूखा हुआ पोटेटो जो पूरी गांव में बनाती है, एंड हमें बस फ्राई करना होता है. I forgot, eggs भी इसी के साथ हो सकता है. So for eggs, my lovely team members search for this drink which is called XS drink, क्योंकि हमको X से कुछ भी ढूंढने में इतना difficult हो रहा था. I almost went to sleep. And I forgot why was that baki hai. For why we have yogurt. Nahi bij raha hai raat ke. Thoda khatta ho gaya hai because it's been out for so long. Main bhool gayi malum hai iske bare mein. Malai aaya yaar, I don't like malai. Do you like malai in dahi or you don't?
I don't. I'm somehow having more because Z is left, the last one. Z se hai zucchini. Yeah, there's only 3 pieces. मैंने मम्मी को जानबूझ के बोला था 3 ही पीस बनाने को. Because I knew कि Z last में होगा and by that time I'll be very sleepy and not that hungry. Last piece. With that, we complete our legit, inspired from Gopali, legit 24 hours A to Z alphabetical food challenge. पहले चबा रही हूँ. Now I'll show you हमारा original plan क्या था while shooting कि हम क्या खाने वाले थे. तो ये है तो दिन का starting, but you are seeing this at the end of the video because I don't want you to see the starting only कि हम आज क्या क्या खाने वाले. तो मॉम ने सुबह बड़ी मेहनत से सारा अरेंज किया है, लिटरली फ्रॉम ए टू जेड पूरा इधर अरेंज कर रखा है. सो आई टेल यू व्हाट आर ओरिजिनल प्लान वाज. फिर हम दिन भर चेंज करते गए. सो ए से थे आमंड्स, बी से ब्रेड, सी से कॉफ़ी, डी से डार्क चॉकलेट, ई से इलायची रस्क, मतलब वो टोस्ट जो आता है वो, एफ से फ्रूटी, जी से ग्रीन टी, एच से हनी, आई से ये ITC मास्टर शेफ के कबाब है कुछ तो, देन जे से जैगरी मतलब गुड़, के से कुरकुरे, एल से लिमका, एम से मैगी और मिल्की बार, दोनों में से कुछ भी चल सकता है, एन से नाचोज, ओ से ओरियो, पी से पोहा, क्यू से क्विकर ओट्स, फिर आर से रवा इडली और उसके साथ एस से सांबर, और फिर टी से तिल, तिल मेरे को ना बहुत अच्छे लगता है, फिर यू से ये यूनिपिक की कुकीज़ है जो थोड़े बहुत डार्क फैंटेसी जैसे लगते हैं, तो आई कांट वेट टू ट्राई देम. देन वी से है ये वीबा का भूत जलोकिया चिली सॉस. आई हैव हर्ड कि भूत जलोकिया सबसे स्पाइसी चिली होती है. डब्ल्यू से वेफर्स, इनको फ्राई करना बाकी है. एक्स से है ये एक्सेस एनर्जी ड्रिंक. एंड वाई कहाँ गई, वाई से योगर्ट. हाँ, योगर्ट ना फ्रिज में, इसलिए यहाँ पे है नहीं. और जेड से जुकीनी, द जुक्स. So this was my A to Z food challenge. Comment down below and tell me what challenge should I do next. If you enjoyed watching this video, then give it a thumbs up and subscribe to the channel to not miss future challenges. But if you did not enjoy watching this video, then bindas give it a thumbs down because I just want your honest opinion. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.